जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में। समय समय पर इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आते रहता हूँ। काफी शानदार कंपनी है, पिछले कुछ समय में एक शानदार रिटर्न निकाल कर इस स्टॉक ने दिया है। यहाँ आज भी देखेंगे तो इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। चार्ट पर आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से एक लंबा ब्रेकआउट इसके चार्ट पर होते हुए दिखा, और इस ब्रेकआउट पे ही बहुत से लोगों ने, जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं, उन्होंने अच्छा खासा पैसा इस ब्रेकआउट पे ही बना लिया है। आगे अगर अभी तक आप इस स्टॉक में पैसा नहीं बना पाए हैं तो कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जहां आप पैसा बना सकते हैं, या पहले से आपका इन्वेस्टमेंट है फिर भी मोटा पैसा नहीं कमा पाए हैं तो आपको क्या रणनीति इस स्टॉक में अपनाने की जरूरत है, इसी सब चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आप एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को देखेंगे तो पाएंगे कि स्टॉक अभी एसएम टू की श्रेणी में है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एसएम के श्रेणी में होने के बाद भी स्टॉक में आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखा और शेयर का प्राइस लगातार आपको ऊपर जाते हुए दिखा है। इसका मतलब यह होता है कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है। इस स्टॉक का जो काम धाम है, जो फंडामेंटल, वो काफी बढ़िया है। पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी अगर कोई स्टॉक रेड फ्लैग में होने के बाद भी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है तो इसका ये स्पष्ट संकेत होता है। और अगर लॉन्ग टर्म का आपका विजन है तो एक्सेल रियलिटी अभी पेनी स्टॉक से आपको बहुत जल्द स्मॉल कैप श्रेणी के स्टॉक बनते हुए दिखेगा, और स्मॉल कैप से मिड कैप श्रेणी में भी आएगा। आज आपको भरोसा नहीं हो तो मेरी इस बात को नोट कर सकते हैं, एक्सेल रियलिटी बहुत जल्द पेनी स्टॉक से स्मॉल कैप श्रेणी में तब्दील होने वाला है। इससे इसलिए होगा क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ रहा है, शेयर प्राइस बढ़ने से मार्केट कैप बढ़ते हैं, और मार्केट के हिसाब से कंपनियों का मिड कैप है कि स्मॉल कैप है कि पेनी स्टॉक है, ये तय होता है। तो अब ये स्टॉक जिस रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा है उसके हिसाब से स्टॉक बहुत जल्द पेनी स्टॉक से निकलकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। कॉर्पोरेट टैक्सेस में देखेंगे तो समय से इसमें कॉर्पोरेट टैक्सेस भी होता रहता है। ये हर पेनी स्टॉक में नहीं होता कॉर्पोरेट टैक्सेस, जिस स्टॉक में पोटेंशियल होता है उसमें मजबूती होता है, जिस स्टॉक का काम धाम उसके फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मिलता जुलता है कि फ्यूचर में इसके काम कभी यहाँ पर स्टॉक में तेजी आएगी, उसके स्टॉक में ही कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं। और यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेस देखेंगे तो बोनस, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, हर एक चीज ये कंपनी देती है जो एक बड़ा स्टॉक आपको देते हुए देखता है। तो यहाँ पे एक छोटे स्टॉक में जब आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट इसमें होना बनता है, और अगर आपका पहले से इन्वेस्टमेंट है तब तो आपको बहुत बढ़िया बात है, बस आपको होल्ड करने की जरूरत है। और होल्ड करने के साथ साथ आपको इसमें समय भी देना होगा, धैर्य रखना होगा, धैर्य के साथ आपको धीरे धीरे इसमें पैसा बनते हुए दिखेगा। और आपको मैं अगर मनी कंट्रोल या इन्वेस्टिंग डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि जो एनालिस्ट होते हैं, आपको एनालिस्ट 70% से ज्यादा एनालिस्ट इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, और बाकी के 30% में आपको न्यू बाय करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अभी अभी इस स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए दिखा तो ब्रेकआउट पे पैसा बनता है और बहुत जल्द पैसा बनता है, इसलिए ये लोग सलाह दे रहे हैं। बाकी सेल करने की सलाह अभी इस स्टॉक को कोई नहीं देगा क्योंकि कमाल का स्टॉक है। तो देखिए, एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड जो कंपनी है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, साथ में कंपनी बीपीओ सर्विस भी प्रोवाइड करती है, मल्टीपल बिजनेसों में कंपनी कूदी हुई है। मेन बिजनेस क्या है कि काम काफी बढ़िया है, और फंडामेंटल भी मैंने काफी डिस्कस अच्छे से किया था पिछले वीडियो में कि 100 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है तो ओवरऑल ये कंपनी ठीक मानी जाएगी, क्योंकि पेनी स्टॉक में जिस कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर होता है उसे हम ठीक ठाक लेके चलते हैं। मेन चीज यहाँ पे देखेंगे चार्ट पर, आपने चार्ट पर देखा कि एक साल के चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है कि लंबा ब्रेकआउट हुआ इस कंसोलिडेशन रेंज के बाद। और अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जब जब स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो उससे जब बाहर निकलता है तो उसमें ब्रेकआउट ही होते हुए दिखता है, चार्ट ऊपर की तरफ इसका प्राइस जाते हुए दिखता है। तो इससे बाहर निकला और प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा या इस लेवल पे शेयर बाई किया होगा उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो गया होगा। देखिए, पेनी स्टॉक क्या होता है कि एक जो प्राइस कम होता है तो लोग हैवी क्वांटिटी बाई करते हैं, और हैवी क्वांटिटी जब बाई करते हैं थोड़ा भी मूवमेंट आता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक में हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने के बाद क्या हुआ कि प्राइस जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, 1 रुपए के आसपास प्राइस गया तो उसमें गिरावट टाइप हल्का रिट्रेसमेंट होता है, तो ये रिट्रेसमेंट करने के लिए प्राइस नीचे आया हुआ है। और यहाँ से देखेंगे तो फिर प्राइस ऊपर की तरफ उठने लगा है, स्पष्ट रूप से देखिए प्राइस नीचे से फिर ऊपर की तरफ उठ रहा है, और प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब फिर से एक बार इस लेवल को ऊपर निकालेगा तो इसका डबल कम से कम आपको 1.80 रुपए से लेकर 2 रुपए तक जाते हुए दिखेगा, बहुत शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने दीजिए, थोड़ा 80 पैसा के ऊपर निकलेगा, तो यदि आप अभी तक बाई नहीं किए तो 80 पैसा के ऊपर आप फिर से थोड़ा सी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। लेकिन जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्होंने, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, जो नहीं बुक किया होंगे प्लीज होल्ड कीजिए, और आप होल्ड तब तक कीजिए जब तक आपको प्रॉफिट ना हो जाए, क्योंकि इस स्टॉक में आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्वार्टर्स के नंबर में कंपनी का जो सेल्स हो रहा है, मार्च क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखा है, लेकिन अभी भी देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट में है ये इस बात की संकेत है कि आगे और आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी का जो रिजल्ट है प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि पहले के समय ऐसा था कि जब कंपनी लगातार घाटे में रहती थी, लेकिन अब जाके इंप्रूवमेंट होने लगा और कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिख रही है। कंपनी के ऊपर देखेंगे तो कुछ खास आपको डेप्ट होते हुए दिखे, कहीं सिर्फ 4 लाख के आसपास डेप्ट है जो पिछले कुछ समय में लगातार कंपनी ने कम किए हैं, तो ये
मतलब ये एक पॉजिटिव साइन होता है, कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है प्रॉफिट का, कंपनी उसका यूज कहाँ कर रही है, अपने जो एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कर्ज ले रखे हैं उसको कम करने में और कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करने में, इंप्रूवमेंट करने में। ओवरऑल मिला के बात यही है कि एक्सेल रियलिटी एक बढ़िया स्टॉक्स है, आपके पास है तो इसमें होल्ड कीजिए, नहीं है तो जो लेवल बताया है वहां पर ध्यान देके आप थोड़ी बहुत क्वांटिटीज में बाई कर सकते हैं। मन में कोई सवाल हुआ कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।